कुछ परिवारवादी वंशवादी अहंकारी नेताओं ने राजनीति को जनता के पैसे की लूट का तंत्र बना लिया है, लाइसेंस मान लिया। ममता सहित सभी दल जो विपक्ष में बैठकर या अपनी स्टेटों में सरकार के माध्यम से गरीब की टैक्स पेस अमाउंट को लूटा जा रहा है, रक्षक बक्षक बन गए हैं, अब कानून अपना काम कर रहा है। जिसने लूटा है कानून उस पर काम करेगा, कोई रंगदारी के माध्यम से, कोई शराब माफिया के माध्यम से, कोई धरनी पोर्टल के माध्यम से, कोई कमीशन के माध्यम से देश को लूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वचनबद्धता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और ये हमारी कमिटमेंट है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना काम अपनी सूचनाओं के आधार पर अनियमितताओं को सामने रखते हुए कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून, चुनाव आयोग किसी को भी केजरीवाल साहब नहीं मानते, एक अराजक सोच की प्रकाष्ठता है। उनका मानना है वो देश की सभी संस्थानों से ऊपर हैं और पंजाब की इकोनॉमी को धक्का देकर, एक तरफ तो कर्जे के लिए, कर्जे के कारण किस्त पे कर्जा, किस्त के लिए भी कर्जा, उसका रोना रोया जा रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब सरकार के जहाज का प्रयोग वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ड्राइवर बन के कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून का पालन करना चाहिए। शपथ लिए हुए व्यक्तियों को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। देश की संसदीय लोकतंत्र का बार बार अपमान किया गया। अब तो रिपोर्ट सामने आ चुकी किस तरह लॉगिन आईडी विदेश में किसी चंद लाभ के लिए देश की राजनीति को धक्का देने के लिए, देश की राजनीति को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनका प्रयोग हुआ है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चंद लाभ के लिए देश को असुरक्षित हाथों में पहुंचाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का डाटा सिस्टम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये खिलवाड़, ये आघात कुछ लोग के कारण देश के सबसे बड़ी पंचायत के एक सदस्य ने किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।